15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारी बैठक एडीएम सिटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को पूरे जोश एवं हर्षोल्लास के साथ मनाने की रणनीति तैयार की गई। एडीएम सिटी ने कहा कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी निर्धारित समयानुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रातः 6:30 बजे प्रभात फेरी, प्रातः 7 बजे क्रॉस कंट्री रेस जो विभिन्न वर्गों में क्षेत्रीय क्रीड़ांगन से आयोजित होगा, प्रातः 7 बजे से सभी तहसीलों एवं मुख्यालयों पर लगे महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई तथा पुष्पार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी नगर ने बताया कि प्रातः 8 बजे समस्त सरकारी गैर सरकारी इमारतों एवं शैक्षिक संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वजारोहण तथा झंडा अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता तथा सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को बलवती बनाने पर जोर दिया जाएगा। एडीएम सिटी ने कहा कि 15 अगस्त को प्रातः 8:15 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। बैठक में एडीएम प्रशासन चतुर्भुजी गुप्ता, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, जेल अधीक्षक डॉक्टर रामधनी, बीएसए बीएन सिंह, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, व्यापारी नेता योगेंद्रनाथ दुबे सहित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। झंडा अभियान के साथ में राजस्थान भावना ध्वजारोहण की बात करें उनकी गोष्ठी होगी और वहां पर उनका सबका वक्तव्य लिया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इंटर कॉलेज की छात्राओं के एवं दो विद्यालयों से बालिका विद्यालयों से छात्र और छात्र छात्राएं इसमें सम्मिलित हुए थे। बताए जिला विद्यालय में चंद्र इसकी व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं। निरपेक्षता, सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को बल दिया जाना, जिसके आधार पर लोगों को भावनाओं को बलवती करने के लिए इसमें जो भी कार्यक्रम होंगे वो इन सब चीजों को भगवान करेंगे और सही भाया। इसके लिए जिला सहयोग कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया जाना है की जाएगी। क्या इसमें आपके पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सूची है? आपके पास मैं बाजार से ले लूँ, बाजार से ले लीजिए। सहजंगा से है कोई? जी सर। तो आप ये नोट कैसे पहुंचे? नगर पंचायत में भी नोट कर लेंगे इसको, वहाँ पे साफ सफाई करवा लेंगे मंडेरा बाजार और सहजंगा में। 14 अगस्त में 15 अगस्त के पूर्व संध्या पर तो इसको भी नोट कर लेंगे दोनों स्थानों पर। 9 बजे वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। अपने अपने विद्यालय में अपनी संस्थाओं में सभी को वृक्ष भी दिया गया है, तो 9 अगस्त तक पूर्ण करने के बाद में 15 अगस्त को वृक्षारोपण का कार्यक्रम अपने अपने विद्यालयों में, संस्थाओं में, कार्यालयों में जो जमीन खाली है वहां पर अपना वृक्षारोपण अवश्य करें। 9:30 से 11 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के जो अपर मुख्य अधिकारी है वो और जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसका समन्वय करेंगे। इसमें कोई प्रोग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई चेंजेस करेंगे? बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, कोई प्लानिंग कर ली आपने? अभी करेंगे कोई कार्यक्रम में कोई तब्दीली या कोई तैयारी कर ली है? नहीं सर, अभी तैयारी तो नहीं है। पहले वाले आपने तो आपको ये संस्कृत